हेलो स्टूडेंट्स गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू सो हियर आई एम गोइंग टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग तो सबसे पहले हम एक सेमी सर्कुलर रिंग बनाते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर लेट सपोज दिस इज सम सेमी सर्कुलर रिंग देयर एंड इट इज हैविंग रेडियस कैपिटल आर तो ये मैंने एक सेमी सर्कुलर रिंग बनाया है स्टूडेंट्स इसका रेडियस जो है वो है मान लीजिए कैपिटल आर तो मुझे इसका सेंटर ऑफ मास पता करना है तो बेसिकली फ्रेंड्स अगर मैं इस रिंग की बात करता हूँ सो ये जो रिंग है ये सिमेट्रिकल है ऑन आइदर साइड्स अगर मैं सेंटर से देखूँ राइट right में और लेफ्ट में इट इज सिमेट्रिकल तो इसका जो एक्स कॉर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन पर लाई करेगा अगर मैं यहाँ से इसे ओरिजिन लेता हूँ इसे जीरो लेता हूँ सो इसका एक्स कॉर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो जीरो पर लाई करेगा मुझे सिंपली कैलकुलेट करना है इसका वाई कॉर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बिकॉज रिंग इज़ नॉट मेट्रिकल ऑन लाइक ऑन द आइदर साइड ऑफ दिस हॉरिजोंटल एक्सिस सो मुझे वाई कॉर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास को इसका पता करना है इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन द सर्कम फ्रेंस हाफ ऑफ द सर्कम फ्रेंस ऑबियसली सो ये कॉन्टीन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है सो फॉर कॉन्टीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन जो वाई कॉर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए इक्वेसन में इस्तेमाल करूँगा वो रहेगी वन अपॉन एम इंटीग्रल वाई डी एम तो इसका इस्तेमाल करके हम सारी कैल्कुलेशन करेंगे तो लेट सपोज फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं जिसका जो मास है मान लीजिए वो डी है एंड यहाँ पर ये यह जो मास है इसका जो ये एंगुलर वर्थ है लेट सपोज इट इज़ डी थीटा एंड इस मास ने स्मॉल एलिमेंट ने लेट सपोज एक्स एक्सिस के साथ बना के रखा है एंगल थीटा सो इस तरह की कुछ फिगर जो है हमारे इस पर्टिकुलर केस में बन रही है सो so, सबसे पहले हम पता करेंगे कि हमारे जिस वाई कॉर्डिनेट ऑफ मास को हम निकाल रहे हैं जिस एलिमेंट को हमने कंसीडर करके रखा है डी को उसका वाई कॉर्डिनेट क्या है तो स्टूडेंट्स ये जो एलिमेंट है मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द एक्स एक्सिस और लाइक इसका जो वाई कॉर्डिनेट बन जाएगा इसकी पोजिशन का जो वाई कोआर्डिनेट बन जाएगा वो बन जाएगा आर साइन थीटा बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एक्स कॉर्डिनेट आर इंटरेस्टेड इन इट्स वाई कॉर्डिनेट सो इसका वाई कॉर्डिनेट बन जाएगा आर साइन थीटा सो इसे हम नोट कर लेंगे एंड देन हमें अब अगला जो कैलकुलेशन करना है वो करना है डीएम का हमें डीएम की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम पता करेंगे मास पर यूनिट लेंथ का लेट uh, सपोज ये जो हमने डीएम पोर्शन सेलेक्ट करके रखा है एलिमेंट कंसिडर करके रखा है इसकी जो लेंथ है ये जो आर्क है यहाँ पर मान लीजिए वो डी एक्स है सो so, सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सप्रेशन फॉर मास पर यूनिट लेंथ मास पर यूनिट लेंथ तो वो एक्सप्रेशन रहेगा मास पर लेंथ का रहेगा एम अपॉन पाईआर सो बिकॉज इसका जो लेंथ है रिंग का वो है पाईआर सो मास पर यूनिट लेंथ इज एम अपॉन पाईआर सो ऑब्वियसली द मास ऑफ दैट डी एक्स पोर्शन इज डीएक्स लेंथ इज कम्स आउट टू बी दैट इज एम अपॉन पाईआर मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स सो वी हैव टू राइट द डीएक्स इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा देखिए ये डी एक्स है यूज द फॉर्मूला लाइक थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस सो एंगुलर विड्स जो इस एलिमेंट डी एम ने बनाया है वो है डी थीटा एंड आर्क को हमने डी एक्स लिया है रेडियस आर है तो यहाँ से डीएक्स आ जाएगा आर डी थीटा तो मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ एम अपॉन पाई आर डी एक्स की जगह में लिखूंगा आर डी थीटा सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी एम देअ ये डी एम की वैल्यू आ गई सो हमने डी के लिए एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लिया है बिकॉज हमने जो हमारा जो डी था उसकी जो ये यहाँ पर लेंथ थी वो डी सपोज किया था सो so डी का मास हमने यहाँ से निकाल लिया एम अपॉन पाईआर इंटू डी सो डी का जो मास है वो बेसिकली अपना डी है तो डी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास मिल जाती है देन स्टूडेंट्स वी यूज दिस एक्सप्रेशन दैट वाई कॉर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड वी कैन इजिली गेट नाउ द आंसर सो वाई कॉर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन था वन अपॉन मास ऑफ द बॉडी मास ऑफ दैट सेमी सर्कुलर रिंग इंटीग्रल लाइक अगला जो था हमारे पास वो था वाई डी एम सो नाउ वी पुट द वैल्यूज देयर इन द एक्सप्रेशन सो वन अपॉन एम इंटीग्रल दीज मासज एलिमेंट्स आर फ्रॉम जीरो टू पाए ऑन द सरकमफ्रेंस सो इंटीग्रेशन इज फ्रॉम जीरो टू पाए वाई वॉज आर साइन थीटा मल्टीप्लाइड विद डी एम इज एम अपॉन ऑन पाई आर आर डी थीटा सो आर से आर कैंसिल हो जाएगा एम से एम कैंसिल हो जाएगा हमारे पास जो टर्म हमें मिलेगी वो मिलेगी इंटीग्रल जीरो टू पाए एंड जो हमारे पास लाइक आर अपॉन ऑन पाए है उसे हम बाहर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा एंड देन वी डू द इंटीग्रेशन सो इट इज़ आर अपॉन ऑन पाए एंड साइन थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कॉस थीटा फ्रॉम जीरो टू पाए सो इसे फर्दर सॉल्व कर लेंगे लाइक इट इज माइनस आर अपॉन पाए एंड फर्स्ट इट इज कॉस माइनस हमने बाहर लिख लिया है कॉस पाए माइनस कॉस जीरो सो इट इज माइनस आर अपॉन पाए एंड फ्रेंड्स दैट कॉस पाए इज बेसिकली माइनस वन कॉस जीरो इज वन सो माइनस 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 टू एंड अगेन माइनस से मल्टीप्लाई पे प्लस बन जाएगा सो हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है टू आर अपॉन पाए टू आर सो दैट इज द वाई कॉर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास सो हमारा जो इंटरेस्ट था वो था वाई ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज बेसिकली हमारे पास जो आंसर है वो है टू आर अपॉन पाए सो विल पुट देयर इट इज टू आर अपॉन पाए एंड एक्स कॉर्डनेट ऑफर ऑफ मास इज जीरो बिकॉज बी कंसिडर्ड सेंटर्ड एट द ओरिजन सो वाई कॉर्डिनेटर मार्सलेट सपोज यहाँ है हमारा तो इस कॉर्डिनेट का वैल्यू होगा टू आर अपन वाई थैंक यू